तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको इन ऑर्डर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर यानी कि ट्री ट्रेवर्सल मेथड्स की आपको एल्गोरिथम बताई थी और उसके थ्रू आपको एक क्वेश्चन भी कराया हुआ था। मैंने उसमें एक ट्री लिया था और इसके थ्रू आपको एल्गोरिथम के थ्रू बताया था कि उसको कैसे ट्रेवर्स करना है, क्या उसका आउटपुट होगा। तो वो फर्स्ट पार्ट था, तो आज ट्री ट्रेवर्सल एल्गोरिथम का आज सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट में मैं आपको एक और ट्री लेके यहाँ पर इन ऑर्डर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर का आउटपुट बताने वाला हूँ कि क्या हुआ। और कई बार क्या होता है कि गेट में इस तरह के क्वेश्चन दे देते हैं, एक ट्री दे देते हैं और कोई भी एल्गोरिथम दे देते हैं, इन ऑर्डर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर के अलावा भी कोई और एल्गोरिथम दे देते हैं, तो वो लोग सिंपली उसका आउटपुट पूछते। तो उस तरीके का भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। जो ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वो यूनिक ट्रिक है और आपको पसंद आएगी आई होप, तो वीडियो को पूरा देखें अंत तक, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्री यहाँ पे लिया हुआ है, तो उसके नोड है ए बी सी डी ई एफ और जी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले नंबर आपको आउटपुट बता रहा हूँ यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर का, पोस्ट ऑर्डर का आउटपुट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने पोस्ट ऑर्डर की एल्गोरिथम यहाँ पे लिख दिया। मैंने पोस्ट ऑर्डर में आपको बताया था कि पहले जो नोड रहती है उसको पहले लेफ्ट साइड पे विजिट करते हैं, देन राइट साइड में फिर उसका डेटा लिखते हैं, मतलब फिर आपको सेंटर में नोड पे विजिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपने ले लेंगे 1 2 3, ये फर्स्ट नंबर का स्टेटमेंट है, सेकंड नंबर का, ये थर्ड नंबर का। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरी पुरानी वाली वीडियो देख सकते हैं, फिर आप सेकंड पार्ट देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका अपने को आउटपुट जनरेट करना है, तो अपने को हर नोड के ऊपर, हर नोड के ऊपर अपने को स्टेटमेंट नंबर लिख लेने हैं, जितने भी टोटल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 3 स्टेटमेंट है, तो अपन यहाँ पे पूरे स्टेटमेंट ले जाएंगे, चालू करेंगे अपन टॉप से, रूट नोड से, ठीक है। तो 1, तो यहाँ पे अपन 3 स्टेटमेंट लेंगे, 1 2 3 कम्पी टोटल 3 स्टेटमेंट, तो अपन नोड से चालू करेंगे। तो जो भी स्टेटमेंट पहले अपन रन करेंगे उसके ऊपर अपन टिक मार्क कर लेंगे, ताकि याद रहे अपन को कौन से स्टेटमेंट अपन रन के लिए। सबसे पहले फर्स्ट सेशन में रन होगा, फर्स्ट सेशन में कह रहा है कि नोड के लेफ्ट में जाना है अपन को, ठीक है। तो नोड के लेफ्ट में आएंगे, तो नोड के लेफ्ट में कोई नोड है कि हम आए बी नंबर की, तो इसके ऊपर भी तीनों स्टेटमेंट अपन लिखेंगे। फिर इसके लिए फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सबसे पहले रन होगा, तो इसके लिए फर्स्ट सेशन में रन होगा वो तो लेफ्ट में जाना है, तो लेफ्ट में कोई नोड नहीं है, तो फिर इसके राइट में जाएंगे। सेकंड नंबर का स्टेटमेंट सॉरी रन होगा, सेकंड स्टेट में क्या है, सेकंड स्टेट में कह रहा है कि इसके राइट में जाना है, तो 1 2 3 इसके राइट में क्या है डी, तो इसके लिए फर्स्ट स्टेट में रन होगा, फर्स्ट स्टेट में कह रहा है कि इसके लेफ्ट में जाना है, 1 2 3। अब सेम इसके लिए प्रोसेस होगी, तो इसके लिए फर्स्ट स्टेट में रन होगा, तो इसके लेफ्ट में जाना है, कोई नोड ही नहीं है इसके लेफ्ट में, तो सेकंड स्टेट में रन होगा, सेकंड स्टेट में कह रहा है कि एफ के राइट में जाना है, ठीक है। तो एफ के राइट में कोई नोड नहीं है। अब थर्ड स्टेट में रन होगा, थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि डेटा को प्रिंट करो, मतलब एफ को प्रिंट करो, तो आउटपुट की मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा इसका, तो एफ प्रिंट होगा। सबसे पहले जब आपकी कोई नोड वो बजट हो जाती है पूरी और कोई डेटा नहीं बचता है, तो आपको बैक ट्रैवर्स करना है, पीछे जाना है, ठीक है, ऊपर वापस। तो डी पर वापस आएंगे, तो डी का फर्स्ट स्टेटमेंट रन हो चुका था, मैं सेकंड स्टेटमेंट रन करूँगा, सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि डी के राइट में जाओ, तो डी के राइट में कोई नोड नहीं है, ठीक है। तो अब थर्ड स्टेटमेंट रन होगा, थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि डी को प्रिंट करो, तो डी यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया, बी के पूरे तीनों स्टेटमेंट रन हो चुके हैं, एफ के तीनों स्टेटमेंट रन हो चुके हैं। अब बी से ऊपर वापस आएंगे, तो बी का फर्स्ट और सेकंड रन हो चुका है, तो बी का थर्ड स्टेटमेंट रन होगा, कहता है कि बी को प्रिंट कर दो, ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट में डेटा प्रिंट कराना है। अब ए का सेकंड स्टेटमेंट रन होगा, तो ए के राइट में अपन जाएंगे, तो अब सी का उसी तरीके से फर्स्ट स्टेटमेंट रन होगा, सी के लेफ्ट में जाना, सी के लेफ्ट में ई है, तो 1 2 3, तो ई का भी फर्स्ट स्टेटमेंट रन होगा, ई के लेफ्ट में जाना है, कोई लोड नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट होगा रन, ई के राइट में जाओ, तो ई के राइट पर फिर जी पर आ जाएंगे, तो 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पर फिर जी के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट रन होगा, ठीक है। जी के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब लेफ्ट में आना, कोई लोड नहीं है, सेकंड स्टेटमेंट राइट में आना, कोई लोड नहीं है, थर्ड स्टेटमेंट इसको प्रिंट करो, तो जी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो अब ई के लिए भी थर्ड स्टेटमेंट चलेगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड ऑलरेडी इसके लिए हो चुका है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि डेटा को प्रिंट करो, ई पर अपन है तो ई प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब सी के लिए अपन सेकंड स्टेटमेंट रन करेंगे, सी के राइट में आना है, सी के राइट में कोई है नहीं, अब सी का थर्ड स्टेटमेंट रन होगा, मतलब इसको प्रिंट करना है, ठीक है, सी प्रिंट हो जाएगा। उसी तरह से अपन वापस आएंगे ए, ए का थर्ड स्टेटमेंट अपन जब रन करेंगे ए को प्रिंट करना है, तो ये पोस्ट ऑर्डर जो अगर मैंने एक ट्री लिया तो उसका पोस्ट ऑर्डर का आउटपुट ए आएगा। अगर इसी तरीके मैं एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कोई भी और इसके अलावा इन ऑर्डर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर के अलावा एल्गोरिथम दी गई और कोई ट्री दिया गया है तो उसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि एल्गोरिथम मैंने टूल से लिख दिया डबल ऑर्डर करके, ठीक है, तो कुछ भी नाम हो सकता है, मैंने इसको डबल ऑर्डर दिया है और मैंने एक सिंपल से ट्री यहाँ पर छोटा दिया हुआ है आपको समझाने के लिए। तो इसके अंदर अपन देखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने, ठीक है, तो यहाँ पे अपन काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट, अपने 4 स्टेटमेंट को रन कराना है, ट्री को ट्रैवर्स कराना है, ठीक है। तो जितने भी स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था कि हर नोड के ऊपर अपन अपने स्टेटमेंट लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 और 4, ठीक है। तो अब ए के लिए भी फर्स्ट स्टेटमेंट चलेगा, तो ए के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट चलेगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ए को प्रिंट कर दो, तो आउटपुट मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ ए,
फिर इसका ए का सेकंड स्टेटमेंट लेगा, ए का सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि ए की लेफ्ट में जाओ, तो ए की लेफ्ट में जाएंगे तो बी पर आएंगे, तो बी के लिए भी चार स्टेटमेंट रहेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो बी के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट चलेगा मतलब बी को प्रिंट करना है, ठीक है। अब बी का सेकंड स्टेटमेंट चलेगा मतलब बी के लेफ्ट में जाना, बी के लेफ्ट में कोई नोट नहीं है, ठीक है। अब बी का थर्ड स्टेटमेंट चलेगा, बी का थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि डेटा को प्रिंट करो, मतलब बी को प्रिंट करो, ठीक है। तो बी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट में आ जाएगा। अब फोर्थ स्टेटमेंट इसका रन होगा बी के अंदर को राइट में जाना है, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है कि डी के राइट में जाओ, बी के राइट में आएंगे तो 1 2 3 4 चार स्टेटमेंट चलेंगे डी के लिए, ठीक है। तो डी का जो फर्स्ट स्टेटमेंट जब वो रन होगा तो डी को अपन प्रिंट करेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। सेकंड स्टेटमेंट रन होगा मतलब बी के अंदर को लेफ्ट में आना है, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है कि पी ऑफ लेफ्ट, तो मतलब जो नोट दी गई उसके लेफ्ट में आना है, तो डी के लेफ्ट में आएंगे तो कोई है नहीं, और डी के अपन को थर्ड स्टेटमेंट जब रन करेंगे तो डी को अपन को फिर से प्रिंट करना है। अब डी का थर्ड स्टेटमेंट रन होता है तो डी का फोर्थ स्टेटमेंट रन करेंगे तो नोड के ऊपर को राइट में जाए, तो नोड का राइट में कोई नोड नहीं, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, इसको बोलते हैं लीफ, लीफ जहाँ पे कोई खत्म हो जाए, ठीक है। अब डी पूरा खत्म हो गया तो बैक ट्रेवर्स करेंगे, बी पर जाएंगे तो बी भी पूरा हो चुका है। अब वापस ए पर जाएंगे तो ए का थर्ड स्टेटमेंट रन होगा, ए का थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि ए को प्रिंट कर दो, ये यहाँ पर अपन प्रिंट करेंगे। अब ए का फोर्थ स्टेटमेंट चलेगा मतलब ए के राइट में जाओ, ए के राइट में जो सी पर आएंगे तो सी के लिए भी चार स्टेटमेंट रन होंगे 1 2 3 4, ओके। तो सी के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट रन होगा मतलब सी को अपन को क्या करना है, प्रिंट करना है। सी अपना प्रिंट हो गया, आउटपुट में आ गया। सी का सेकंड स्टेटमेंट रन होगा, सी के सेकंड स्टेटमेंट करना है सी के लेफ्ट में आना है, सी का लेफ्ट क्या है ई, तो ई पर अपन आएंगे तो ई का फर्स्ट स्टेटमेंट रन होगा, तो ई का फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि ई को प्रिंट करो, ठीक है। तो ई को मैंने प्रिंट किया। अब ई का सेकंड स्टेटमेंट रन होगा, ई के लेफ्ट में आना, कोई नोट नहीं। थर्ड स्टेटमेंट रन होगा, थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि ई को फिर से प्रिंट कर दो। अब फोर्थ स्टेटमेंट रन होगा कि ई के राइट में आना, ई के राइट में कुछ है, तो ए भी यहाँ पे खत्म हो गया। अब ई के ऊपर अपन जाएंगे वापस सी पर, सी का फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट रन हो चुका है, ई का सी का अपन थर्ड स्टेटमेंट रन करेंगे। सी का थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि सी को प्रिंट कर दो, तो अपन सी को यहाँ पर फिर से प्रिंट करेंगे। और फोर्थ स्टेटमेंट कि सी के राइट में जाना है, सी के राइट में है कुछ है, वापस जाएंगे ए के ऊपर, तो ए क्या है, ए के चार स्टेटमेंट रन हो चुके हैं। तो यहाँ पे आउटपुट अपने देखा कि हर एक नोट बार बार दो बार आ रही है, ए दो बार आ रहा है, बी दो बार, बी सी और ई दोनों बार आ रहे हैं। तो डबल ऑर्डर का मैंने यहाँ पे एल्गोरिथम लिखा हुआ था इस तरीके से, कुछ इसको मॉडिफाई करके कुछ और भी आउटपुट हो सकता है, कुछ और तरीके से भी एल्गोरिथम हो सकती है, हो सकता है यहाँ पे और बाइनरी ट्री के लिए ना क्वेश्चन आया, हो सकता है कि यहाँ पे कोई भी नोड है उसके बहुत सारे मल्टीपल चिल्ड्रन हैं, तो उसके लिए भी क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर आप लोगों को उसमें क्वेश्चन की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और हम आपको से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताएंगे कैसे क्या करते हैं, उससे रिलेटेड आपको एल्गोरिथम समझाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक जरूर करें। थैंक यू।